हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अच्छा फारूक सत्तार साहब, ये जो हल्फ वफादारी वाली बात मैं पूछ रहा था आपसे, वो इसलिए कि आपके हल्फ से भी तो इसी बात का इजहार होता है ना कि MQM दरअसल अल्ताफ हुसैन ही का नाम है। तो अब जब अल्ताफ हुसैन ही का नाम है तो आपने अल्ताफ हुसैन को किस ओहदे से आपने अलग किया है? आपने अल्ताफ हुसैन का कौन सा इख्तियार वापस लिया है? उनके पास तो पहले भी कोई तंजीमी या दस्तूरी होता था ही नहीं। मेरा ख्याल है उनसे हलीम बनाने का इख्तियार वापस ले लिया है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि हलीम पहले भी हम खुद ही बनाते थे, अल्ताफ भाई सिर्फ उसमें तड़का लगाते थे। अब चूंकि वो जहनी तनाव में है और खराबी सेहत की वजह से वो तड़का कुछ ज्यादा ही लगाने लग गए, तो हमने वो तड़के वाले इख्तियारात उनसे वापस ले लिए। फारूक भाई याद कीजिए, आप अल्ताफ हुसैन साहब को रूहानी बाप कहा करते थे। अभी तो सिर्फ रेंजर का ठाकुर ही आया है तो आपने रूहानी बाप को बावर्ची पेंट करना शुरू कर दिया। भाई मुझे छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। रूहानी बाप क्या, आप तो उन्हें पीर मानते थे। याद कीजिए, एक बार उन्होंने आपका माथा चूमा था तो आपने पूरा सवा महीना मुंह नहीं था धोया। फारूक भाई वो तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जितने दिन माथे पे क्रीम लगानी है पानी नहीं लगने देना वरना फंगस हो जाएगी। भाई इनको छोड़िए, आपने जो पूछना है पूछिए। पूछेंगे तो फिर आप कहेंगे मैं जहनी दबाव में हूं। जहनी दबाव तो अब चलता रहेगा, आप पूछिए जो पूछना। माफी के साथ एक बात पूछनी थी। भाई माफी छोड़िए, ये तो अब हमारा काम है। अच्छा ये बताइए कि आप फिजाई सफर जहाज पे करते हैं या गैसी गुब्बारे का धागा पकड़ के निकल लेते हैं? फारूक भाई कुछ स्पाइडरमैन है यार। भाई कभी पकड़ते होंगे गुब्बारे का धागा, अब तो गुब्बारे में से हवा निकल रही है। हवा अल्लाह के फजलो करम से कराची में आज भी हमारी है। आज भी जो मेयर कराची का मुंतखब हुआ है वो हमारा ही चुना हुआ है। चुनने से याद आया फारूक भाई, सुना एक दफा आप रोड चुनते चुनते चावलों में गुम हो गए थे। गुम नहीं थे हुए गौरी साहब, वो कर्नल के चावल थे इसलिए डर के छुप गए थे। छोड़े फारूक साहब सारी बातें, ये बताएं कि अगर MQM पर पाबंदी लग गई तो आप कहां खड़े होंगे? स्टूल पे। हाँ मुक्का चौक में तो खड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि अब इनको अपना कद काठ दिखाने के लिए किसी ऊंची जगह का इंतखाब करना पड़ेगा भाई। वैसे फारूक भाई आपके लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। वैसे तो आपको दरवाजा खुलने की ऐसी जरूरत भी नहीं है, आप वो चाबी वाली जगह से भी आ सकते हैं। हाँ अलबत्ता उसके लिए आपको बूट उतारने पड़ेंगे। भाई हम चोर दरवाजों के कायल नहीं है। फारूक भाई आप मासूम आदमी है, जाने दीजिए। ये MQM वालों ने आपको तकिए का गुलाब समझा हुआ है, जिसे दाग छुपाने के लिए तकिए के ऊपर चढ़ाया जाता है। आ जाइए हमारे साथ मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं। सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं। 90 किराए पे दे दें। क्या बात कर रहे हैं आप, कितनी पगड़ी देंगे? अच्छा फारूक साहब ये बताएं कि क्या आपके पास अब अरकान असेंबली के इस्तीफों की ऑप्शन मौजूद है? जुनेद भाई ये सवाल आप वक्त से पहले के कर रहे हैं। जब वक्त आएगा लंदन से पूछ लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम खुद ही फैसले करेंगे, बताते खुद अभी भी कर रहे हैं, हर रोज कर रहा हूं मैं खुद। जी रोजाना खुद फैसला करते हैं और आज भी फैसला करके आए हैं कि ऑफिस के फर्श को आज धोना नहीं है, पोछा लगाना है। यानी आप मेरे ऐलान करने के बावजूद मुझे कायद नहीं मान रहे? भाई लोग नहीं मान रहे, आपकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे फारूक भाई। अब रक्षे के ऊपर बोइंग 777 लिख देंगे तो कौन मानेगा भाई? मुस्तफा साहब आपकी पार्टी ने भी तो आपको कायद मान लिया है, मैं कम से कम आपसे तो बड़ा लीडर हूं। बड़ा? अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, कुछ सियासी मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि सारे एपिसोड में
अल्ताफ हुसैन की सियासत पता नहीं खत्म हुई है या नहीं, लेकिन मुस्तफा कमाल की सियासत खत्म हो गई। देखो जुनैद भाई, हम तो सियासत खत्म कर बैठे हैं, हम तो सियासत कर ही नहीं रहे, हम तो मुल्क की और अवाम की खिदमत करने के लिए निकले हैं। ये सियासत तो एमक्यूएम में हम छोड़ के आए हैं। जब हमने एमक्यूएम छोड़ दी तो हमने सियासत छोड़ दी है, अब हम खिदमत लेके आए हैं तो खिदमत हमने करनी है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। सियासत रहे ना रहे, हमें मुल्क की और कौम की और अवाम की खिदमत करनी। खिदमत यानी अब आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, टांगे दबाएंगे। यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा फारूक सत्तार साहब, ये जो हल्फ वफादारी वाली बात मैं पूछ रहा था आपसे, वो इसलिए कि आपके हल्फ से भी तो इसी बात का इजहार होता है ना कि एमक्यूएम दरअसल अल्ताफ हुसैन ही का नाम है। तो अब जब अल्ताफ हुसैन ही का नाम है तो आपने अल्ताफ हुसैन को किस ओहदे से आपने अलग किया है, आपने अल्ताफ हुसैन का कौन सा इख्तियार वापस लिया है? उनके पास तो पहले भी कोई तंजीमी या दस्तूरी होता था ही नहीं। मेरा ख्याल है उनसे हलीम बनाने का इख्तियार वापस ले लिया है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि हलीम पहले भी हम खुद ही बनाते थे, अल्ताफ भाई सिर्फ उसमें तड़का लगाते थे। अब चूंकि वो जहनी तनाव में है और खराबी सेहत की वजह से वो तड़का कुछ ज्यादा ही लगाने लग गए, तो हमने वो तड़के वाले इख्तियारात उनसे वापस ले लिए। फारूक भाई याद कीजिए, आप अल्ताफ हुसैन साहब को रूहानी बाप कहा करते थे, अभी तो सिर्फ रेंजर का ठाकुर ही आया है तो आपने रूहानी बाप को बावर्ची पेंट करना शुरू कर दिया। भाई मुझे छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए, रूहानी बाप क्या, आप तो उन्हें पीर मानते थे। याद कीजिए एक बार उन्होंने आपका माथा चूमा था तो आपने पूरा सवा महीना मुंह नहीं था धोया। फारूक भाई, फारूक भाई, वो तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जितने दिन माथे पे क्रीम लगानी है पानी नहीं लगने देना वरना फंगस हो जाएगी। भाई इनको छोड़िए, आपने जो पूछना है पूछिए। पूछेंगे तो फिर आप कहेंगे मैं जहनी दबाव में हूं। जहनी दबाव तो अब चलता रहेगा, आप पूछिए जो पूछना है। माफी के साथ एक बात पूछनी थी। भाई माफी छोड़िए, ये तो अब हमारा काम है। अच्छा ये बताइए कि आप फिजाई सफर जहाज पे करते हैं या गैसी गुब्बारे का धागा पकड़ के निकल लेते हैं? फारूक भाई कुछ स्पाइडरमैन है यार। भाई कभी पकड़ते होंगे गुब्बारे का धागा, अब तो गुब्बारे में से हवा निकल रही है। हवा अल्लाह के फजलो करम से कराची में आज भी हमारी है, आज भी जो मेयर कराची का मुंतखिब हुआ है वो हमारा ही चुना हुआ है। चुनने से याद आया फारूक भाई, सुना एक दफा आप रोड चुनते चुनते चावलों में गुम हो गए थे। गुम नहीं थे हुए गौरी साहब, वो कर्नल के चावल थे इसलिए डर के छुप गए थे। छोड़े फारूक साहब सारी बातें, ये बताएं कि अगर एमक्यूएम पर पाबंदी लग गई तो आप कहां खड़े होंगे? स्टूल पे। हाँ मुक्का चौक में तो खड़ा होना मुश्किल है अब, क्योंकि अब इनको अपना कद काठ दिखाने के लिए किसी ऊंची जगह का इंतखाब करना पड़ेगा भाई। वैसे फारूक भाई आपके लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, वैसे तो आपको दरवाजा खुलने की ऐसी जरूरत भी नहीं है, आप वो चाबी वाली जगह से भी आ सकते हैं। हाँ अलबत्ता उसके लिए आपको बूट उतारने पड़ेंगे। भाई हम चोर दरवाजों के कायल नहीं है। फारूक भाई आप मासूम आदमी हैं, जाने दीजिए, ये एमक्यूएम वालों ने आपको तकिए का गुलाब समझा हुआ है, जिसे दाग छुपाने के लिए तकिए के ऊपर चढ़ाया जाता है। आ जाइए हमारे साथ मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं। सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं, 90 किराए पे दे दें। क्या बात कर रहे हैं आप, कितनी पगड़ी देंगे? अच्छा फारूक साहब ये बताएं कि क्या आपके पास अब अरकान असेंबली के इस्तीफों की ऑप्शन मौजूद है? जुनेद भाई ये सवाल आप वक्त से पहले के कर रहे हैं, जब वक्त आएगा लंदन से पूछ लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम खुद ही फैसले करेंगे, बताते खुद अभी भी कर रहे हैं, हर रोज कर रहा हूं मैं खुद। जी रोजाना खुद फैसला करते हैं और आज भी फैसला करके आए हैं कि ऑफिस के फर्श को आज धोना नहीं है, पोछा लगाना है। यानी आप मेरे ऐलान करने के बावजूद मुझे कायद नहीं मान रहे? भाई लोग नहीं मान रहे, आपकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे फारूक भाई,
अब रक्षे के ऊपर बोइंग 777 लिख देंगे तो कौन मानेगा भाई? मुस्तफा साहब, आपकी पार्टी ने भी तो आपको कायद मान लिया है। मैं कम से कम आपसे तो बड़ा लीडर हूं। बड़ा? अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, कुछ सियासी मुबस्सरीन ये भी कह रहे हैं कि इस सारे एपिसोड में अल्ताफ हुसैन की सियासत पता नहीं खत्म हुई है या नहीं, लेकिन मुस्तफा कमाल की सियासत खत्म हो गई। देखो जिनाद भाई, हम तो सियासत खत्म कर बैठे हैं, हम तो सियासत कर ही नहीं रहे, हम तो मुल्क की और अवाम की खिदमत करने के लिए निकले हैं। ये सियासत तो एमक्यूएम में हम छोड़ के आए हैं। जब हमने एमक्यूएम छोड़ दी तो हमने सियासत छोड़ दी है, अब हम खिदमत लेके आए हैं। तो खिदमत हमने करनी है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। सियासत रहे ना रहे, हमें मुल्क की और कौम की और अवाम की खिदमत करनी। खिदमत यानी अब आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, टांगे दबाएंगे। डार्लिंग यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।